मुर्गी है। एक बहुत मुश्किल ट्रैक मिला है हमको यहाँ से सीधा जाने के लिए। भाई हमको यहाँ से गुजरते हुए न्यू ब्लॉग। आज फिर संडे था, मौसम भी इतना सही था तो हम वापस लेकर आ गए। और एक बार साउथ सबको लोकेशन दिखा दो क्या है भाई। आज की लोकेशन बहुत सही है, हमारे मुदस्सिर भाई जबलपुर से। इतना सही मौसम है, हमारे तो दोस्त भी समझ साथ में हमारे। हम यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके रोड यहाँ पे मेन रोड है, इसके पीछे में ऑफ रोड की ट्रैक है, के उस पार है। हम यहाँ पर झील दिखी थी तो झील देखने आ गए थे थोड़ा रुकने के लिए। यहाँ पर लोग मस्त मछली पकड़ रहे हैं, बहुत सही सीन है। अरे भाई पानी में गिर गया, बारिश भी बढ़ गई, उनके पास से आते हैं। जाने दो उधर, बीच में पत्थर है भाई, बीच में पत्थर है। फोर एक्स फोर डाला गया, पत्थर नहीं लग रहा है। क्या बात है, फोर आए पे पानी भी बढ़ चुका है भाई। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से निकाल रहा है भाई। अब कितना गहरा पता नहीं, क्या सही भाई, बहुत बढ़िया। इसको क्या हो पता नहीं। इसका यही स्टार्ट हो गया भाई, आगे तो और गीला होना, देखो पूरा गीला हो गया बेचारा भाई, मत लो ना भाई। यहाँ पे टीम एक्सट्रीम एडवेंचर क्लब का ऑफ रोड ट्रैक भी आ गया, वहाँ तक जाएंगे गाड़ी। चलो देखते हैं भाई, क्या जगह है यार, मजा आ गया। क्या बोला आपने, ड्रोन ट्रैक कैमरा ऑन में भाई, ये काट के डाल रहा भाई। हां अब काट लेते, क्या जगह है यार, बारिश में और ग्रीन हो जाता है। उनको जगह जगह टीम एक्सट्रीम के बोर्ड दिख रहे हैं, जंगल के अंदर ही अंदर जा रहे हैं भाई। कहाँ तक जाता है देखते हैं। ये कैसा जो एरिया है, हम नागपुर में रहते हैं, इससे बहुत दूर है, कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर है वहाँ से आए। हमको कोई आइडिया नहीं यहाँ पे मतलब क्या ट्रैक देखने मिलेगा। ट्रैक पड़े अंदर, फिर पूछ के आते हैं भाई। हटते चढ़ते चढ़ते पता नहीं कहाँ आ गए, बहुत ऊंचे बहुत ऊंचाई पे रास्ता ऊपर जाते जा रहा है, आगे कहाँ मिलता कुछ आइडिया नहीं हमको, बस जाए जा रहे। मुर्गी है, जंगली मुर्गी। हेलो मैं बोला बच्चा कोई अब तू बोले, टेंशन मत ले। तीर कमान अबे गाड़ी शायद फिसल रही, रुक जा, नीचे खाई है भाई, गाड़ी फिसल रही है। राइट दबाना तारीम, हाँ भाई बढ़िया, भाई एक और लैंड आ गया इधर तो। पहले हम नीचे थे एक जगह पे, अब वहां से यहाँ पर एक और प्लेन सर्विस आ गया, अब हम पहाड़ के टॉप पर है। अब यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना, कोई नहीं आता भाई इधर। आने के बाद भी हमको एक और ऊपर जाने का रास्ता दिख रहा है, इससे ऊपर जाके देखना है
ये शायद टॉप है भाई पहाड़ का, दूर से दिखता है ना। अरे आराम से सारी मना से ला रहे, सारे पीछे मत ले गिर जाएंगे। अरे मजदूर का सामान दिख रहा है, ले एक स्पीड में ले। भाई ये देखिए ऊंचाई पा गए अपन भाई, आप देखो पीछे वालों का हाल भी हाल है। स्पीड में आ जा, स्पीड में अच्छा जाए भाई। से गुजरते हुए मोर दिखा है भाई, उड़ गया वो तो, का सही जगह बैठा था वो। भाई चलो आगे चलो, भाई कहाँ है मोर? भाई इसे भागता हुआ दिख रहा है वो, ऊपर आ जाएगा ऊपर। भाई क्या खूबसूरत है यार सब। मजा आ गया। एक बहुत मुश्किल ट्रैक मिला है हमको यहाँ से सीधा जाने के लिए, देखते अब जाती के लिए जाती। सारे धीरे धीरे, हाँ अपने को अंदाजा नहीं कितना कह रहा है बीच में, धीरे धीरे इस तरफ काट, इस तरफ नहीं, इस तरफ काट, मैं देख क्या है इस साइड में, इधर काट, इधर काट ले, हाँ इधर काट, नहीं बचता आराम से, धीरे 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 धीरे, तो मैं घुसल जाऊंगा, हट जा। अबे रुक जा। बढ़िया क्रॉस करने के बाद तो अच्छा मंजर, ये दोस्त मेरे एंजॉय करते हुए। एंजॉय छोड़ो, रास्ता बताओ। रास्ता मैं कैसे बताऊँ? इसने उतरवाया था वहाँ से, मेरे को थोड़ी ना मालूम था भाई। आज काफ़ी अच्छा एडवेंचर हुआ है, काफ़ी सारी नई चीज़ें मिली है, और जो मैं सरप्राइज का खाना था वो थोड़ा पोस्टपोन करते हैं, नेक्स्ट वीक या आने वाले 15 दिनों में वो भी आ जाएगा, और ये हमारे साथ वालों का एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा था। टुडे एक्सपीरियंस वाज वेरी ग्रेट, वी हैड वेरी मच फन एडवेंचर, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट व्लॉग, वी विल सी यू। अल्लाह हाफिज़। इंग्लिश बोल रहा है।